गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गार्डनिंग लेसन्स। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को कुछ बालसम के प्लांट्स के बारे में बताऊंगी और ये बताऊंगी कि इस टाइम पर इसकी केयर कैसे की जाती है और इसके जो सीड्स हैं उनका कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी जो है वो नवंबर का टाइम है और काफ़ी लोगों के जो बालसम के प्लांट्स हैं उनमें जो है वो सीड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया होगा। तो अगर आपके यहाँ पर भी सीड पक रहे हैं तो आप लोग उन्हें कलेक्ट कर दीजिएगा, वरना क्या होता है कि जो सीड्स हैं वो खुल जाएंगे, उनके जो सीड पॉड है वो खुल जाते हैं और जो सीड है वो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं, तो फिर उन्हें कलेक्ट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो जिन लोगों के भी अभी बालसम के प्लांट में सीड का फॉर्मेशन हो रहा है, आप देख सकते हो स्क्रीन पर कि किस तरह के जो इसके सीड पॉड्स होते हैं वो होते हैं, तो आप उन्हें कलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मेरे पास अभी काफ़ी सारे जो बालसम के प्लांट्स हैं वो बने हुए हैं और बालसम का जो प्लांट होता है फ्रेंड्स वो खूब फ्लावरिंग देता है। इसमें कई सारी जो फ्लावरिंग है वो अभी मेरे गार्डन में हो रही है और मैंने इस प्लांट को रेनी सीजन में ग्रो किया था क्योंकि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा धूप पड़ती है राजस्थान में, तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो प्लांट है वो गर्मियों में लग नहीं पाता है और जल जाता है। तो मैं इन्हें बरसात के टाइम पे लगाना प्रेफर करती हूँ। बरसात के टाइम पे लगाने से ये जो प्लांट है वो खूब चलते हैं और काफ़ी जल्दी जो है वो बड़े भी हो जाते हैं, तो इस वजह से मैंने इन्हें लगाया है। उसके अलावा फ्रेंड्स, अगर हम इसकी खाद की बात करें तो इन्हें बहुत अच्छी खाद की जो है वो ज़रूरत होती है। आप चाहो तो गोबर की खाद जो है उसे डाल सकते हो। गोबर की खाद हर जगह बहुत आसानी से मिल भी जाती है दोस्तों, और जो गोबर की खाद होती है वो घर पर बनाना भी काफ़ी आसान होता है। तो आप देख सकते हो कि कितने सारे जो सीड्स है वो मेरे यहाँ पे बन रहे हैं इन प्लांट्स के अंदर, क्योंकि अभी जो है वो सीड्स का बेसिकली सीज़न है, तो भी खूब सारे जो सीड पॉट्स है वो लगे हुए हैं। तो अगर आपके यहाँ पर भी सीड पॉट लगे हुए हैं तो आप लोग उन्हें हल्का पीला पड़ने पर कलेक्ट कर सकते हो। जो पीले सीड पॉट्स होते हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छे और मजबूत जो है वो सीड मिल जाते हैं, लेकिन जो हरे और छोटे सीड पॉट्स होते हैं आप उन्हें अभी ना कलेक्ट करिए, उन्हें बड़ा होने तक का टाइम दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये देख सकते हो कि ये मेरा क्राइसैंथेमम का है प्लांट और गुलदाउदी का प्लांट, इसमें भी काफ़ी सारी जो कलियां हैं वो बन रही है। तो अभी इस टाइम पर जो गुलदाउदी का प्लांट है उसमें भी कलियां बनने की जो है प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है और इसमें भी काफ़ी सारी जो फ्लावरिंग है कई जगहों पर स्टार्ट हो चुकी है। तो आप लोग इस वक्त गुलदाउदी का प्लांट भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि ये जो कुछ सीड पॉट है ये बिल्कुल कच्चे सीड पॉट है, तो आप इस तरह के जो सीड पॉट है उन्हें मत कलेक्ट कर लीजिएगा, लेकिन जो हल्के पक जाते हैं, जो पीले पड़ जाते हैं, आप उनको कलेक्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हो कि इसमें से कुछ सीड पॉट जो है वो पके हुए हैं, बिल्कुल मैं फोकस करने का दिखा रही हूँ आपको। तो इस तरह का जो सीड पॉट होता है जो पीला पड़ चुका है, आप ये भी देख सकते हो कि ये सारे सीड पॉट भी अभी जो है वो पीले पड़े हुए हैं। तो इस तरह के सीड पॉट को आप कलेक्ट कर सकते हो। इनके अंदर जो सीड्स होते हैं वो काफ़ी बड़े और पके हुए सीड्स होते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि किस तरह से इसके जो सीड पॉट्स हैं उनको लेना है। तो फ्रेंड्स, बिल्कुल इसी तरह के जो सीड पॉट्स हैं आपको उन्हें लेना है। जैसे मैंने इनको टच किया तो टच करने बढ़ने से कई बार ये खुल जाते हैं, तो इस वजह से आपको ध्यान रखना होगा कि कई बार जो इंसेक्ट या मकोड़े इन पर चलते हैं तो इस वजह से ये पॉट खुल जाते हैं और इधर उधर जो इनके सीड्स है वो स्कैटर हो जाते हैं और उसके बाद हमें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। तो आप देख सकते हो कि मेरे हाथों लगने से भर से ये खुल चुके हैं और आप देख सकते हो कि जो ब्लैक ब्लैक गोल गोल से है, राई के दाने से तो काफ़ी बड़े होते हैं इसके सीड्स, लेकिन कुछ गोल गोल हल्के से ब्लैक और रेडिश कलर के जो सीड है वो ये है और काफ़ी सारे जो सीड्स हैं वो तो आप देख सकते हो मुझे मिले हैं, पर अभी ये जो सीड्स हैं वो थोड़े गीले गीले से हैं, तो मैं इनके अंदर से जो भी का जो कचरा है सीड पॉट का वो अलग कर दूंगी और जो सीड्स हैं उन्हें सुखाने के लिए रख दूंगी, उसके बाद मैं इन्हें एक जिपलॉक बैग में जो है वो कलेक्ट कर लूँगी। तो आप लोग भी इसके जो सीड्स होते हैं उन्हें जिपलॉक बैग में कलेक्ट कर लीजिएगा, क्योंकि इनका जो सीज़न होता है ग्रो करने का वो समर का रहता है या फिर रेनी सीज़न रहता है। तो फ्रेंड्स, इस टाइम पे ये ग्रो हो जाते हैं, लेकिन अभी का जो विंटर्स का टाइम है उनमें इनको ग्रो करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो आप इन्हें सेव करके रख दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपकी कोई क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में